सो दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन में बेसिक डेली लाइफ में व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही है, यानी कि व्हाट्सएप तो आप यूज़ करते ही, तो व्हाट्सएप के पांच ऐसे अल्टीमेट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना और नए साल में आपको ये पांच ट्रिक जानना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम इस वीडियो में पांच ट्रिक क्या है। तो चलो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है ना इस तरह का वीडियो आते रहता है। तो चलो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दें सबसे पहला ट्रिक क्या, और चलते हैं सबसे पहला ट्रिक क्या है। जैसे कि मेरे पास दो व्हाट्सएप है, या आप अपना फ्रेंड का व्हाट्सएप मान लीजिए या अपना मान लीजिए। जैसे कि मेरे पास दो व्हाट्सएप, जैसे इस व्हाट्सएप पे गए, इस व्हाट्सएप पे जाने के बाद, जैसे कि मान के चलिए इस व्हाट्सएप पे गए, जाने के बाद इससे हम चैटिंग कर रहे हैं। जैसे चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग करने के बाद क्या करते हैं, चैटिंग करने के बाद फिर दूसरा व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, जो व्हाट्सएप में मैंने चैटिंग किया। देखिए ये व्हाट्सएप पे चैटिंग आ चुका है, जैसे कि इससे चैटिंग कर रहे हैं, ये चैटिंग आ चुका है। जैसे कि इससे भी मैं चैटिंग कर रहा हूँ, तो आपका कोई दूसरा तो कोई देख नहीं रहा है, आपका कोई दूसरा चैटिंग तो नहीं कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ चैटिंग किया, देखिए फाइन लिखा, जैसे यहाँ टाइप किया करने के बाद इस तरह का चैटिंग आ रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कोई दूसरा कोई तो आपका चैटिंग तो कोई देख नहीं रहा है, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट के आइकॉन पर जाना होगा। थ्री डॉट के आइकॉन पर जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको क्या, कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपको कुछ नहीं, यानी यहाँ आपको व्यूज़, कॉन्टैक्ट दिखाई देगा, मीडिया लिंक एंड सर्च, म्यूट नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको उसका प्रोफाइल में क्लिक करना है। जैसे ही उसका प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको आई बटन पर क्लिक करना है। आई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से थ्री डॉट के आइकॉन पर दिख रहा होगा, थ्री डॉट के आइकॉन पर जाना है। थ्री डॉट के आइकॉन पर जाने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है आपका दोस्त का भी जो है वेरीफाई सिक्योरिटी कोड को आपको स्कैन कर लेना है। यहाँ नीचे स्कैन कोड दिख रहा, उसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको पता चल जाएगा, वहाँ से अगर टिक का ऑप्शन लग जाएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा, यानी जिससे हम चैटिंग कर रहे हैं, वो किसी का किसी और नहीं देख रहा है। तो आपको इससे कन्फर्म हो जाएगा। तो सबसे पहला ट्रिक यही रहा। अब दूसरा ट्रिक क्या, और चलते दूसरा ट्रिक क्या रहा व्हाट्सएप पे। जैसे कि आप किसी को फ़ोटो वगैरह भेजते हैं, जैसे कि यहाँ व्हाट्सएप पे गए, जाने के बाद यहाँ गए, उसका व्हाट्सएप पे जाने के बाद तो आपको यहाँ से गैलरी भी, गैलरी पे जाने के बाद आपको यहाँ से किसी का फ़ोटो भेजना है। जैसे कि ये फ़ोटो भेजे, जैसे ये फ़ोटो भेजते हैं, फ़ोटो भेजने के बाद आपको यहाँ से सेंड कर देते हैं। आप जैसे सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद जैसे सेंड करते हैं, जैसे इस फ़ोटो का यहाँ क्वालिटी है और इस फ़ोटो का जैसा क्वालिटी है, डाउनलोड कर लें, उसके बाद करने के बाद आपको इस फ़ोटो का क्वालिटी दिख रहा होगा। जैसे इस फ़ोटो का क्वालिटी दिख रहा होगा तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बेस्ट क्वालिटी में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट के आइकॉन पर जाना होगा। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से थ्री डॉट के आइकॉन पर जाना होगा, यहाँ से सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाने के बाद आपको स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक करना होगा। स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ ऑप्शन दिखाया था, जो आपको कल भी बताया था इस ऑप्शन के बारे में। तो आपको यहाँ से क्या, मीडिया अपलोड क्वालिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको बेस्ट क्वालिटी कर देना। देखिए मेरा बेस्ट क्वालिटी है। अगर आप डाटा सेवर कर देते हैं तो आपका तो डाटा तो यहाँ भी बचेगा, यानी कि बेस्ट क्वालिटी में आपका नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ से अगर डाटा सेवर है या ऑटो है तो आपको यहाँ से बेस्ट क्वालिटी कर देना है। करने के बाद आप अब जो आप अपना व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेजेंगे तो आपका जो है बेस्ट क्वालिटी में दिखाई देगा। तो यह रहा दूसरा ट्रिक। अब तीसरा ट्रिक की ओर चलते हैं। तीसरा ट्रिक क्या है, जैसे कि तीसरा ट्रिक में आपको व्हाट्सएप पर ओपन किया, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको इसको मैसेज किए, जैसे कि मान के चलिए ये मैसेज किए, फाइन मैसेज किए। मैसेज करने के बाद आप यहाँ दूसरा वाला व्हाट्सएप पे जाते हैं। व्हाट्सएप पे जाने के बाद देखिए ये हमने मैसेज किया। मैसेज करने के बाद वो क्या करता है, जो वहाँ से मैसेज डिलीट कर देता है। जैसे कि मैसेज पे गए,
कोई सा भी मैसेज देखे, यहाँ से हम मैसेज के इसको यहाँ से इसको डिलीट कर दिए। जैसे इसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन करने के बाद ये क्या होता है कि ये डिलीट हो जाता है। डिलीट करने के बाद जो अब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं हम, जैसा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जैसे ये व्हाट्सएप रहा हमको, ये इसने मैसेज किया तो देखिए यहाँ डिलीट हो चुका है। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा। उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यानी ऑटो आरडीएम लिखा हुआ रहेगा, उसको इस तरह का ओपन होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से और ट्राई लिमिट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना होगा। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से व्हाट्सअप चूज़ कर लेना होगा। जैसे व्हाट्सअप चूज़ करेंगे उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ से भी अलाउ कर देंगे, जितना अलाउ मांगते हैं उसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ से भी अलाउ कर देना है, यहाँ से अलाउ कर देना है, जितना अलाउ मांगता है पूरा अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको कुछ अलग सा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ अलग सा इंटरफेस दिखाई देगा आपके फ़ोन में। जैसे ही बैक जाएंगे, जाने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के तैयार हो जाएगा। जब आपका इस तरह का ऑप्शन खुल के तैयार हो जाएगा, आप जो भी मैसेज करेंगे तो आपका जो यहाँ मैसेज आ जाएगा। जैसे कि कोई भी डिलीट किया हुआ मैसेज में अभी आपको बताया, जैसे कि ये मैसेज डिलीट हो गया, जैसे कि ये मैसेज जो है डिलीट कर दिया हमने, यहाँ से डिलीट कर दिया और दूसरा वाला व्हाट्सएप जो है उस व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया, जैसे कि यहाँ से डिलीट कर दिए, तो इस मैसेज को आप कैसे देख सकते हैं। तो आप जैसे अब मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद अब इस ऐप पे आपका आ जाएगा, वो डिलीट भी कर देगा ना, तो आपके पास जो है उस मैसेज का ये इस पे आ जाएगा। तो ये रहा तीसरा ट्रिक। अब चौथा ट्रिक क्या और चलते हैं, चौथा ट्रिक क्या है। पांचवा ट्रिक तो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखकर चौंक जाएंगे, अरे भाई ये पहले पता होता तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ा आता। तो ये रहा चौथा ट्रिक, पांचवा ट्रिक ज़रूर देख के जाना। तो पांचवा ट्रिक में आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का, बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर है उस इसमें। तो चौथा यानी पाँचवा ट्रिक देख के जाना। अब चौथा ट्रिक की ओर चलते हैं। चौथा ट्रिक व्हाट्सएप पर क्या है, अगर आप यानी कि जैसे कि मान के चलिए, अगर आपका जो है MB यानी कि जैसे कि मान के चलिए WhatsApp पे जाते हैं, WhatsApp पे जाने के बाद क्या होता है, अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं, जैसे कि कोई किसी को आप वॉइस मैसेज भेजते हैं, वॉइस मैसेज भेजने के बाद जैसे आप चाहते हैं कि जैसे वॉइस मैसेज भेजने के बाद क्या होता है कि वॉइस मैसेज भेजने के बाद ये क्या हो जाता है कि हम क्या बोले, नहीं बोले, गलती बोले कि सही बोले, आपको पता नहीं चलता है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, जहां आप वॉइस मैसेज बोलते हैं, जहां से आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या करना है, दबा करके ऊपर स्वाइप अप कर देना है। यहाँ से ऊपर स्वाइप अप कर देंगे, जैसे ही दबा करके ऊपर स्वाइप अप करेंगे तो आपका जो है लॉक लग जाएगा और आप वहाँ से सुन सकते हैं कि आपका कौन सा ये हुआ है। देखिए यहाँ से हम ये करते हैं, देखिए आने के बाद आपको फिर उसी WhatsApp पे जाना है। उसी WhatsApp पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस, जब आप वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, बैक आ जाएंगे। रिकॉर्ड करने के बाद आपको यहाँ से अब सुनना है जो हमने क्या बोला, अगर गलत बोला तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, अगर सही बोले तो तब सेंड करेंगे। देखिए यहाँ हमने बोला है, देखिए इसको हम जो बोले हैं, देखिए मैंने बोला है अगर हमको सेंड करना तो यहाँ से सेंड कर देंगे, लेकिन यहाँ सेंड कर दिए, अगर सेंड नहीं करेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से सेंड कर देंगे। देखिए यहाँ से मैंने सेंड कर दिया इस वीडियो को, यानी इस वॉइस को। तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये रहा चौथा ट्रिक। अब पांचवा ट्रिक की चलते हैं। पांचवा ट्रिक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही खतरनाक है। आपको पांचवा ट्रिक अगर पता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। मैं आपको पांचवा ट्रिक क्या बताने जा रहा हूँ। आप जैसे WhatsApp पे जाते हैं, WhatsApp पे जाने के बाद आपको यहाँ से किसी को एक फ़ोटो भेजना है। जैसे कि मैं यहाँ से गया, यहाँ से गैलरी पर गया, गैलरी पर जाने के बाद आपको यहाँ से एक कोई फ़ोटो भेजा, जैसे ये फ़ोटो भेजे, इस फ़ोटो को भेजने के बाद यहाँ से क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि मेरा फ़ोटो वो देखे, देखने के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाए। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, तो आप किस तरह करते हैं, जैसे कि यहाँ से ये किए, सेंड कर दिए, सेंड करने के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे करके डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट एवरी ऑन कर देते हैं। तो डिलीट एवरी ऑन कर दे तो आप जस्ट जब करेंगे तभी आपका, अगर आपका मिस्टेक हो गया जो आप नहीं कर पाए डिलीट, तो वो देख लेगा ना। तो मैं आपको एक ऐसा बेस्ट ट्रिक बताऊँगा जो वो देखेगा,
कभी भी देखे, आप डिलीट करें या ना करें वो अपने आप डिलीट हो जाएगा उस फोटो का, आप भेजेंगे इस फोटो को। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको गैलरी पे जाना होगा। गैलरी पे जाने के बाद आपको एक फ़ोटो चूज़ करना होगा। जैसे फ़ोटो चूज़ किए करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा तो आप यहाँ से क्या करते हैं, सेंड मैसेज पे सेंड कर देते हैं इस फोटो को। तो आपको एक यहाँ ऑप्शन दिखाया, वन का आइकॉन की तरह एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड के बगल में। तो आपको यहाँ से वन का आइकॉन पर क्लिक कर देना है। वन का आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जैसे ही वो फोटो दिखेगा तो अपने आप डिलीट हो जाएगा। जैसे आप अपनी अभी सेंड किए, सेंड करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ से क्या गया, यहाँ फोटो लिखा हुआ एक यानी इमेज गया। जैसे उस फोटो को अभी हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ से बैग गए, बैग जाने के बाद अब उस व्हाट्सएप पे चलते हैं। जैसे इस व्हाट्सएप पे गए, व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद आप जैसे व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे यानी फोटो पर क्लिक करेंगे जो हमने अभी सेंड किया, उस जैसे फोटो पर क्लिक करेंगे, फोटो पर क्लिक करने के बाद हम उसको तो देख पाएंगे। जैसे अभी फोटो पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ तो इसको फोटो देख पाएंगे। देखने के बाद अब हम जैसे ही यहाँ से बैग जाएंगे तो यह अपने आप फोटो डिलीट हो जाएगा, अभी तो देख लेगा। उसके बाद अगर आप दोबारा करेंगे, बैग जाने के बाद करेंगे जब फिर फोटो को देखेंगे तो अपने आप डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से बैग गया, बैग जाने के बाद देखिए अब फोटो नहीं दिख पा रहा हूँ, तो है ना अमेजिंग। तो यही रहा पांचों अपडेट। आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर जो है इस तरह का वीडियो आता रहता है। तो मैं आपको नए साल के इस दिन पे मैं आपको 5 ट्रिक व्हाट्सएप के बता दिए, तो आपको वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाई प्लीज़। तो चलो चलते वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय।